ही गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं हूं आपका दुश्मन, अबे साले उप्स आई मीन आपका दोस्त साले। कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। इन्फर्नो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए हमारी बिल्कुल नई सीरीज का पार्ट 12 लेके हाजिर हूँ। तो अगर आप लोग ने सीरीज के प्रीवियस पार्ट फ्रॉम पार्ट 1 टू 11 नहीं देखे, जाके देख लो, प्राइम बटन में मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हमारे प्यार से चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बन जाइए। पूरे के पूरे 500 लाइक का एम रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। कबाव बिना कुछ सोचे समझे सुमेरे को रिंग के अंदर धक्का दे देता है, लेकिन ये बात सुमेरे की जान पर बनाती है। रिंग मास्टर अपने एलिफेंट पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो धीरे धीरे सुमेरे के पास आ रहा था। ये सब होता देख सुमेरे ने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि आज वो बच भी पाएगी, और डर के मारे सुमेरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन पास ही बैठे मित्सुओ ने सब देख लिया था कैसे सुमेरे रिंग के अंदर गिरी और किसने सुमेरे को रिंग के अंदर गिराया। मित्सुओ एक पल भी अपने बारे में नहीं सोचता और सीधा रिंग के अंदर कूद जाता है सुमेरे को बचाने के लिए। वो एलिफेंट सुमेरे के बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ गया था। मित्सुओ अपनी स्पीड तेज करता है और जाके सुमेरे को धक्का देके उस एलिफेंट के आगे आने से बचा लेता है। लेकिन सुमेरे को बचाते बचाते मित्सुओ खुद ही उस एलिफेंट के आगे आ ही गया था कि तभी सुमेरे मित्सुओ का हाथ खींच के उसे साइड करके बचा लेती है। ये सब होता देख मित्सुओ की जान उसकी हथेली पर आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। कुछ देर तक तो मित्सुओ समझ ही नहीं पाता कि आखिर इसे हो क्या रहा है। सुमेरे मित्सुओ को शांत कराती है और थोड़ी देर बाद जब मित्सुओ शांत होता है तो वो सुमेरे को गले लगाता है और कहने लगता है, सुमेरे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। और सुमेरे एकदम से शॉक हो जाती है, एकदम सरप्राइज हो जाती है। सुमेरे को यकीन नहीं हो रहा, जो मित्सुओ अभी तक उससे बात करने को तैयार नहीं था वो आज उसे गले लगाकर उसका हाल पूछ रहा है। सुमेरे समझ गई थी कि अब मित्सुओ के अंदर गुस्सा शांत हो चुका है और अब वो सुमेरे से नाराज़ नहीं है। सुमेरे भी मित्सुओ के कंधों पे हाथ रखकर कहती है, हाँ मित्सुओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना। मित्सुओ सुमेरे की बात का कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस सुमेरे को अपनी बाहों में भरकर थोड़ी देर तक वहीं बैठा रहता है। और जब कुछ देर बाद पास ही बैठे लोग मित्सुओ की बहादुरी देख उसके लिए चेयर करना शुरू करते हैं, तब मित्सुओ सुमेरे को छोड़ता है। मित्सुओ अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि आसपास के लोग किसी और के लिए नहीं उसी के लिए चेयर्स कर रहे हैं। मित्सुओ एक रियल टाइम हीरो बन गया था जिसने अपनी जान पे खेल के सुमेरे की जान बचाई थी। कुछ देर तक मित्सुओ वहीं पे खड़ा रहता है और सुमेरे को एकटक देखता रहता है। सुमेरे भी उसे एकटक देखती रहती है। आज इतने लंबे समय के बाद मित्सुओ और सुमेरे एक दूसरे की आंखों में आंखें मिला के देख रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में सुमेरे की आंखों की मासूमियत मित्सुओ को बयां कर देती है कि मित्सुओ कितना गलत था। वो बेकार में सुमेरे से नाराज होकर बैठा हुआ था, उसने सुमेरे के साथ जो किया वो कितना गलत था। सुमेरे उस दिन मजबूर थी, मित्सुओ के सब समझ में आ गया था और अब वो सुमेरे से बात करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो सुमेरे से बात तक कर पाए। उसके बाद मित्सुओ सुमेरे से अपनी नज़र चुरा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। मित्सुओ को वहाँ से जाता देख सुमेरे अपनी चुप्पी तोड़ती है और बोलती है, बस मित्सुओ बस, अब कितना दूर जाने की कोशिश करोगे मुझसे, कितनी नज़रें चुराओगे मुझसे, ये तुम भी जानते हो और ये मैं भी जानती हूँ। उस दिन ना गलती तुम्हारी थी ना मेरी थी, उस दिन गलती थी हालातों की, उस दिन गलती थी समय की। और सुमेरे अपने घुटनों के बल बैठ कर अपने हाथ जोड़कर मित्सुओ से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ मित्सुओ अब तुम अपना गुस्सा थूक दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और इसे होता देख मित्सुओ अंदर से सहम जाता है। मित्सुओ वहीं पे खड़ा हो जाता है। सुमेरे एक बार फिर बोलती है, आई एम सो सॉरी मित्सुओ, क्या तुम हमारी दोस्ती के लिए मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी मित्सुओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मित्सुओ पीछे मुड़ता है और कहता है, सुमेरे तुम मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी है, मैं बेकार में तुमसे नाराज़ होकर बैठा हुआ था, शायद ये बात मैं भी जानता था कि उस दिन गलत तुमने ही गलत मैं था, प्लीज़ आइंदा से तुम ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगना, तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी सुमेरे बोलती है, मैं तो तुमसे कभी नाराज़ थी ही नहीं मित्सुओ, और तुम्हारी भी उस दिन कोई गलती नहीं थी, तुमने बस अपने दिल की बात कही, शायद उस दिन हमारे दिलों का एक होना हमारी किस्मत को मंजूर नहीं था, इसलिए वो सब हालात बने, और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने सब कुछ सही किया। तभी मित्सुओ बोलता है, तो सुमेरे अब क्या होगा। तभी सुमेरे बोलती है, बस तुम जल्द जान जाओगे। और पास ही खड़े लोग बस मित्सुओ और सुमेरे की बातें सुन रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद सभी लोग फिर से तालियां बजाना शुरू कर दे रहे हैं। यार एकदम नेक्स्ट लेवल की स्पीच दी थी मित्सुओ और सुमेरे ने। और तभी मित्सुओ सुमेरे के तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, चलो सुमेरे अब हमें ऐसे चलना चाहिए। और वो दोनों रहते रिंग के बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों रिंग के बाहर निकलते हैं मित्सुओ के टीचर मित्सुओ से आके पूछते हैं, तुम दोनों ठीक तो हो ना सुमेरे, तुम ठीक तो ना, और तुम रिंग के अंदर गिरी कैसे। सुमेरे बोलते हैं, सर वो मेरा पैर फिसल गया था और इसलिए मैं रिंग के अंदर गिर गई। तभी मित्सुओ सुमेरे की तरफ देख के बोलता है, लेकिन सुमेरे, सुमेरे बोलती है, शांत हो जाओ मित्सुओ, हाँ सर मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं गिर गई थी। तभी मित्सुओ के सर बोलते हैं, लेकिन तुम रिंग के अंदर कैसे गिर सकती हो, पैर फिसलने का तो कोई चांस ही नहीं है, मैं जानता हूँ कुछ और बात है, सच सच बताओ सुमेरे। और मित्सुओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी जान पे खेल के सुमेरे की जान बचाई, अगर शायद आज कुछ गलत हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। सुमेरे बोलते, सर आप इस बात को छोड़ दीजिए, मैं कैसे रिंग के अंदर गिरी, बस मैं बच गई यही बहुत बड़ी बात है, या फिर मुझे
मेरे किसी बहुत करीबी ने बचा लिया। और ये कहते हुए सुमेरे मित्सो की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। मित्सो भी जो रहता है वो आज कम से कम 6 महीने के बाद दोबारा से मुस्कुराता है। आज मित्सो को लग रहा होता है कि शायद उसके ज़िंदगी में फिर से हंसी और खुशी वापस आ गई है। उसे ऐसा लग रहा था जो हंसी और खुशी उसके पास 6 महीने पहले छिन गई थी आज वो उसके दरवाजे पर फिर से दस्तक दे चुकी है। और इस टाइम मित्सो और सुमेरे एक साथ बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तभी मित्सो के और सुमेरे के टीचर बोलते हैं अब हमें यहाँ चलना चाहिए, टाइम हो गया है और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़े हो रही हैं आज, तो हमें यहाँ टाइम पे निकल जाए वही अच्छा होगा। तभी टीचर कहते हैं सही बच्चे यहाँ से बाहर निकलो, जाने का टाइम हो गया है। और मित्सो जो रहता है सुमेरे को बोलता है चलो सुमेरे चलते हैं बस में, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कबाओ और साबू वहाँ पर खड़े होते हैं। साबू बोलता है कबाओ तुमने सुमेरे को धक्का दिया, लेकिन क्यों? साबू को यकीन नहीं हो रहा था कि कबाओ ने उसे धक्का दिया लेकिन क्यों। साबू लगातार ये सवाल कर रहा होता है। कबाओ बोलता है इसके बारे में तुम जल्द जान जाओगे, बिकॉज मैं बार बार मेहनत नहीं करूँगा ना, तो मैं और मित्सो को एक साथ बताऊँगा, तो अभी चलते हैं। और वो दोनों भी जो रहते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं। सब लोग जो रहते हैं बस में जाके बैठते हैं। सुमेरे अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है और कबाओ और साबू भी जहाँ लास्ट में बैठे हुए थे वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। अब बस स्टार्ट होती है। टीचर आके बोलते हैं अरे मित्सो बेटे तुम बैठे क्यों नहीं हो, जल्दी बैठ जाओ। मित्सो कहते हैं नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाके बैठ जाइए। और टीचर जाके बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जब बस स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती है तो मित्सो जो रहता है वो थोड़ा बहुत थकने लगता है, बिकॉज पूरा दिन घूमने फिरने के बाद कौन नहीं थकेगा यार। तभी सुमेरे बोलती है मित्सो तुम मेरे बगल में क्यों नहीं बैठ जाते, तुम मेरे साथ तो बैठ कर आए थे, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मित्सो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो सुमेरे के बगल में सिंपली बैठ जाता है। और इस बार फाइनली मित्सो और सुमेरे एक साथ बैठे हुए थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। सुमेरे मित्सो जो रहती है वो बहुत सारी बातें बताती है, और मित्सो सुमेरे को ऐसे अपने साथ देखकर खुश देख के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। मित्सो को पता चलता है कि यही तो है दोस्ती का मतलब, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। और पूरे के पूरे रास्ते मित्सो और सुमेरे बात करते रहते हैं, इतना लंबा रास्ता कब कट जाता है उन्हें पता नहीं चलता। और फाइनली उनकी डेस्टिनेशन आ जाती है। टीचर बोलते हैं सभी बच्चे लाइन से नीचे उतर जाओ और कोई धक्का मुक्की मत करना। और जब मित्सो और सुमेरे जा रहे होते हैं तो टीचर सुमेरे से रिक्वेस्ट करते हैं सुमेरे प्लीज़ तुम इस बारे में अपने घर में कुछ मत बताना, ये जो भी हुआ गलती से हुआ और इसके बारे में हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन तुम प्लीज़ अपने घर में मत बताना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुमेरे बोलते हैं आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं अपने घर में कुछ भी नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे अपने डैड से डांट नहीं खानी। टीचर बोलते हैं थैंक्स, और वो मित्सो को भी थैंक्स बोलते हैं सुमेरे की जान बचाने के लिए। और मित्सो और सुमेरे जो रहते हैं वो बस से नीचे उतरते हैं। थोड़ी देर आगे तक जो मित्सो और सुमेरे साथ जाते हैं, लेकिन अब मित्सो और सुमेरे के घर के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तभी मित्सो सुमेरे से बोलता है बाय सुमेरे मैं चलता हूँ। तभी सुमेरे बोलती है बाय मैं चलती हूँ, और वो दोनों जाने लगते हैं। मित्सो आगे बढ़ रहा होता है लेकिन सुमेरे को यकीन नहीं हो रहा होता है कि फाइनली मित्सो उससे बात कर रहा है। सुमेरे आवाज़ लगाती है मित्सो रुको, मित्सो पीछे मुड़ता है और बोलता है क्या हुआ सुमेरे? सुमेरे भागते हुए आते और मित्सो को गले लगा लेते और बोलती है थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, शायद आज तुम नहीं होते तो मैं जिंदा तक नहीं बच पाती। मित्सो भी जो रहता है वो बोलता है ये मेरा फर्स्ट था सुमेरे, और बार बार थैंक्स बोल के मुझे एम्बेरस मत करो। मित्सो को गले लगाते सुमेरे पीछे हटती और बोलती है चलो कल मिलते हैं, और वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। मित्सो की भी थोड़े से गाल लाल हो जाते, बोलता है बाय सुमेरे, और वो भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। मित्सो को फाइनली आज अपने प्यार का फिर से एहसास हो रहा था, जिस प्यार का उसने लगभग 6 महीने पहले गला घोट दिया था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसका वो प्यार फिर से उसके दिल में जन्म ले रहा है। मित्सो पूरे रास्ते मुस्कुराता मुस्कुराता अपने घर पहुंचता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो सिंपली डोर नॉक करता है। जब उसकी मॉम डोर खोलती हैं तो मित्सो को मुस्कुराता देखती है इतने टाइम के बाद, तो बोलती है क्या वो मित्सो बेटा तुम्हारी टीच इतनी ज़्यादा शानदार गई, तुम मुस्कुरा रहे हो, मुझे तुम्हें मुस्कुराता देख काफ़ी अच्छा लगा। और मित्सो जो रहता है अपनी मॉम को गोद में उठाता है, कहता है मॉम आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मित्सो की मॉम बोलती है आखिर हुआ क्या, तुम मुझे घुमा क्यों रहे हो, मेरे चक्कर आ रहा है। और फाइनली मित्सो अपनी मॉम को नीचे रखकर बताता है कि फाइनली मेरा और सुमेरे का झगड़ा खत्म हो गया है और अब हम दोनों दोबारा से दोस्त बन गए हैं। मित्सो की मॉम समझ जाती है कि मित्सो सुमेरे को कितना ज़्यादा पसंद करता है, उससे दोबारा दोस्ती होने के बाद वो कितना ज़्यादा खुश है। मित्सो की मॉम बोलती है बेटा मैं तो यही चाहूँगी कि तुम और सुमेरे हमेशा दोस्त रहो और दोस्त से बढ़कर तुम दोनों कपल बन जाओ। और जैसे ही मित्सो की मॉम ये बोलती है, मित्सो कहता है मॉम आप ऐसा मत कहा करिए, मुझे शर्म आती है। तभी मित्सो की मॉम बोलती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो माँ बाप के बच्चे नहीं रहते, वो उनके दोस्त बन जाते हैं। चलो मैंने खाना तैयार कर दिया है आप खा लो आके, और इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। और मित्सो बोलता है जी मॉम, और वो सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं इतने टाइम के बाद। खाना खाने के बाद मित्सो अपने रूम में जाता है और बस कल का वेट कर रहा होता है, बिकॉज वो सुमेरे से मिलना चाहता था, वो सुमेरे से बातें करना चाहता था, और सबसे ज़्यादा वो सुमेरे को अपने दिल की बात बताना चाहता था। भले ही वो कल सुमेरे को अपने दिल की बात नहीं बताएगा, उसके लिए थोड़ा समय लेगा, लेकिन वो चाहता है कि वो सुमेरे को जल्द से जल्द अपने दिल की बात बताए और सुमेरे को बताए कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और अब मित्सो भी जानता है कि सुमेरे भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, भले ही लफ्ज़ों से नहीं, लेकिन सुमेरे ने अपने दिल से मित्सो को बयां कर दिया है कि वो सिर्फ उसकी है।
और वो सिर्फ उसके रह के होना चाहती है और उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। मित्सु बस पूरी रात सो नहीं पाता और बस कल का वेट कर रहता है। अब फाइनली नेक्स्ट डे आ जाता है, मित्सु की नींद भी फिर से अधूरी सी रह जाती है, लेकिन उसके अंदर आज एक अलग ही लेवल की चुस्ती थी। वो बस सुमेरे से मिल के अपने बच्चे को जो सारे डाउट क्लियर करना चाहता था। और मित्सु जल्दी से जल्दी तैयार होता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है और निकल जाता है अपने स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा खुश होकर। लेकिन रास्ते में मिल जाते हैं मित्सु को कबाओ और साबू। मित्सु ने जैसे कि मैंने आपको बताया सब कुछ देख लिया था कि कबाओ ने ही सुमेरे को रिंग के अंदर धक्का दिया है, तो मित्सु जैसे ही कबाओ से मिलता है तो उसे रोकता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया कबाओ। कबाओ बोलता है मित्सु मैंने वो जान पूछ कर नहीं किया। मित्सु बोलता है मैं जानता हूँ तुमने जान पूछ कर किया या फिर नहीं, सिर्फ ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। कबाओ बोलता है मित्सु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी मित्सु कबाओ के कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मैंने कहा मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सुमेरे को रिंग के अंदर धक्का क्यों दिया। अगर मैं कल वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचता तो सुमेरे की जान चली जाती, क्या तुम नहीं जानते। तभी कबाओ बोलता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है, वैसे भी तुम्हें तो सुमेरे से कोई मतलब नहीं ना, तुम ही थे ना वो जिसने शायद मुझे 6 महीने पहले मारा था सुमेरे का नाम लेने पर, और आज तुम उसके लिए मुझसे झगड़ रहे हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और कबाओ मित्सु को थोड़ा सा पीछे धकेलता है। मित्सु कहता है तुम किसी की जान पे बात नहीं ला सकते कबाओ, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, और उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। साबुन के बीच का झगड़ा के शांत करता है। मित्सु कहता है मुझसे आज के बाद बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी है जो दूसरों की जान ले लेता हो। तभी कबाओ बोलता है मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और मित्सु वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। तभी साबू बोलता है तुमने उससे झगड़ा क्यों किया कबाओ। कबाओ बोलता है अपना दोस्त है, शायद थोड़ी देर सुमेरे के साथ रहेगा तो समझ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। साबू बोलता है लेकिन वो सही तो कह रहा है, अगर कल सुमेरे की जान चली जाती तो। तभी कबाओ बोलता है देखो तुम्हें याद होगा कि हम कुछ टाइम पहले एक सर्कस में गए थे और वहाँ पर मैं रिंग के अंदर गिर गया था, तो वहाँ पर एक हाथी ने मुझे मारा नहीं था, सिंपली मुझे सूंड से उठाया और खेलने लगा था। तभी साबू बोलता है हाँ मुझे याद आया। तो कबाओ बोलता है तो ये वही हाथी था जो कल परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं जो सुमेरे की जान के साथ खेलूँ। तभी साबू बोलता है तो तुमने ये बात मित्सु को क्यों नहीं बताई। तो कबाओ बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी बात का क्रेडिट नहीं लेना, और मैं चाहता हूँ बस दोनों साथ में खुश रहें। और वो दोनों कितने अच्छे लग रहे थे कल साथ में, और शायद कुछ दिन मित्सु हमसे दूर रहेगा तो वो सुमेरे को ज़्यादा टाइम दे पाएगा, तो अब हम चलें स्कूल के लिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और कबाओ को साबू बोलता है तुम ग्रेट हो कबाओ, तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, आई सैल्यूट यू। कबाओ बोलता है बाद में सैल्यूट करना, नहीं तो हमें टीचर के आगे मुर्गा बनना पड़ जाएगा। और वो दोनों निकल जाते हैं स्कूल के लिए। मित्सु वहाँ पर स्कूल पहुँच चुका था, वहाँ पर जो रहता है वो सुमेरे का वेट करता है, और थोड़ी देर वहाँ पर सुमेरे आ जाती है। सुमेरे को देख के मित्सु भागते हुए उसके पास जाता है, बोलता है गुड मॉर्निंग सुमेरे। सुमेरे बोलती है गुड मॉर्निंग मित्सु, आज तुम मेरा वेट कर रहे हो। मित्सु कहता है मैं वेट नहीं कर रहा था, बस थोड़ा जल्दी आकर सोचा कि अकेले ना जाके क्या करूँगा तो किसी के साथ चले जाऊँ, और पहला शख्स जो था वो मेरा सबसे करीबी दोस्त निकला तो उसी के साथ जाने का मैंने सोच लिया, तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा था। तभी सुमेरे बोलती तो मैंने भी तो वही बोला कि तुम मेरा वेट कर रहे थे। तभी मित्सु कहता है हाँ शायद मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था, तो अब चले। और वो दोनों क्लास के लिए निकल जाते हैं। सच में मित्सु और सुमेरे बहुत ज़्यादा एक साथ क्यूट लग रहे थे, उन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को किसी की नज़र ना लगे। फिर से वही मित्सु और सुमेरे एक साथ दिख रहे थे जो सालों पहले एक साथ घर घर खेला करते थे, एक परफेक्ट कपल, और शायद ऐसा ही होना चाहिए, यही उनका मुकद्दर है कि वो एक साथ रहे, एक साथ प्यार करें और बस हमेशा एक साथ खुश रहें। और अब इसके बाद आने वाले कुछ महीने बहुत ज़्यादा शानदार रहते हैं। मित्सु और सुमेरे की दोस्ती अब लगभग प्यार में बदल चुकी थी, अब ज़रूरत थी सिर्फ प्रपोज करने की, या तो सुमेरे मित्सु को करे या फिर मित्सु सुमेरे को करे, लेकिन उन दोनों में से कोई भी पहले रिस्क नहीं लेना चाहता था। उन दोनों के अपने अपने रीजंस थे, मित्सु को लगता था कि कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए और उन दोनों की दोस्ती ख़राब ना हो, इसलिए मित्सु सिंपली चुप रहना चाहता था और वो सुमेरे के प्रपोजल का वेट कर रहा था। और सुमेरे सोच रही थी कि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियाँ किसी को प्रपोज थोड़ी करती हैं, और मित्सु ने मुझे पहले ही प्रपोज किया तो मुझे दोबारा प्रपोज करे तो वही सही रहेगा, और वो दोनों बस एक दूसरे के प्रपोजल का वेट कर रहे थे। लेकिन इसमें जो है कई महीने बीत जाते हैं और अब साल के जो है एंड आ जाता है, सेमेस्टर का एंड आ जाता है, लेकिन अभी तक भी उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया और वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब फाइनल एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद सुमेरे अपने दोस्त के साथ घर जा रही होती है, तो सुमेरे बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो उसकी दोस्त उसे बोलती है तो तुम मित्सु को प्रपोज कर क्यों दे दिया, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सुमेरे बोलती है वो मुझे प्रपोज क्यों नहीं करता, मैं ही उसे प्रपोज क्यों करूं। उसकी दोस्त बोलती शायद वो एक बार रिस्क ले चुका है इसलिए वो दोबारा नहीं लेना चाहता, वो अपनी दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहता होगा। सुमेरे बोलती है हाँ मित्सु तुम मुझे कब प्रपोज करोगे। तभी उसकी दोस्त बोलती है वैसे मैंने खबर सुनी है कि कुछ लड़कियाँ प्लान बना रही है कि वो मित्सु को हमारे फेयरवेल के दिन प्रपोज करेंगी, और क्या पता मित्सु किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, तो देख लो फिर मत बोलना, अब पछताए हो कि जब चिड़िया चुग गई खेत में, तुम्हें पहले ही अवेयर कर रही हूँ ये प्लानिंग हो रही है। तो सुमेरे बोलती है ठीक है अब जले पे नमक मत छिड़को,
लेकिन सुमेरे डर गई थी कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं होगा। और वहाँ मित्सुओ का भी ऐसा सेम हाल था। उसे भी ऐसी सेम अफवाहें सुनने को मिल रही थी कि कुछ लड़के प्लान बना रहे हैं कि वो सुमेरे को प्रपोज करेंगे फेयरवेल वाले दिन। और मित्सुओ भी डरा हुआ था और अब वो सोच लेता है कि अब उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क क्या, चाहे अपनी जान की बाजी देने पड़े, लेकिन अब वो सुमेरे को प्रपोज करेगा। बिकॉज इस बार वो सुमेरे को नहीं खोना चाहता, क्योंकि रिस्क से ही तो इश्क है। और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे फेयरवेल वाले दिन। और अब फाइनली फेयरवेल वाला दिन आ जाता है। और हाँ, एक बात और कह दूँ, सबका रिजल्ट आ चुका है। सुमेर के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, मित्सुओ के भी काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, और उन दोनों के अच्छे खासे कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। और आज एक फाइनल फेयरवेल पार्टी है, जिसके बाद सभी बच्चे अपने अपने रास्ते होंगे और जिसके बाद शायद वो कभी दोबारा ना मिल पाएँ। मित्सुओ अपने घर पर तैयार हो रहा होता है और बस वेट कर रहा होता है टाइम होने का, और वहाँ सुमेरे भी बस वेट कर रही होती है टाइम होने का। जैसे टाइम होता है वो दोनों अपने घर से निकल जाते हैं सीधा स्कूल के लिए। जैसे वो दोनों स्कूल पे पहुँचते हैं, ऑलमोस्ट वो एकदम सेम टाइम में स्कूल के गेट पर पहुँचते हैं, तो मित्सुओ सुमेरे को बोलता है, सुमेरे तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, लिटरली यू लुकिंग गॉर्जियस। सुमेरे बोलती है, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो मित्सुओ, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हो आज। तभी सुमेरे बोलती है, तो मैं अपनी थोड़ी बहुत दोस्तों से मिलके आती हूँ और तुमसे बाद में मिलती हूँ। लेकिन तभी मित्सुओ से रहा नहीं जाता और वो कहता है, सुमेरे मुझे तुमसे एक बात करनी थी और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमेरे सोचती है कि उसे क्या बात करनी है, बोलती है, बोलो मित्सुओ। तभी मित्सुओ कहता है, सुमेरे आई तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं पार्ट 12 को। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा ज़रूर से लाइक करके जाना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। जानता हूँ वर्ड्स मिसमैच हुए हैं तो यार माफ़ कर देना, बिकॉज अनस्क्रिप्टेड है, टाइम नहीं मिल रहा स्क्रिप्ट करने का, तो सॉरी 3000। और हाँ, कमेंट करके तो वीडियो कैसा लगा है तुम्हें, कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अमेजिंग लगा है, एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लो ताकि तुम लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आई मेट यू नेक्स्ट, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल में डी हार्टेड सायोनारा। तब उसे पता चलता है।